अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोबारा से हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ, और स्किल के रिलेटेड वीडियो है कि एक छोटी सी स्किल है जो आजकल काफ़ी चल रही है, और काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा चल रही है, अक्सर क्लाइंट्स उसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप जाके फाइबर पर देखें या आप जो बाय रिक्वेस्ट आई हुई होती हैं या जो प्रोजेक्ट आए हुए होते हैं इसके अंदर अपवर्क के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्किल, इसकी डिमांड आजकल जो बढ़ी हुई है। और स्किल कौन सी है जी? बिल्कुल सिंपल सी स्किल है, और स्किल है गूगल के रिलेटेड, गूगल बिजनेस पेज के रिलेटेड, जो आपका गूगल का बिजनेस पेज है कि उस पर पोस्टिंग करने के रिलेटेड। कि सिंपल क्लाइंट को जो है टाइम नहीं होता, जाहिर बात है क्लाइंट फ्रीलांसर्स क्यों हायर करते हैं? इसलिए हायर करते हैं ना कि उनको अपना टाइम बचाना होता ताकि वो बाकी काम करें, और ये सिंपल जो टास्क होते हैं ये अपने फ्रीलांसर्स को देके तो सिंपल उनसे काम करवा लें, डाटा एंट्री टाइप काम, पोस्टिंग का कह लें, सिंपल पोस्टिंग है और गूगल पेज पे, ठीक है, गूगल माई बिजनेस पेज पे। और इसको यूज़ करने का तरीका अक्सर लोगों को नहीं आता यार, नए बंदों को तो बिल्कुल नहीं आता, शुरू में तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब क्लाइंट ने काम कहा, मैंने कहा यार वो कहाँ पे क्या चीज़ पे, थोड़ा सा मुझे डेमो दिया था, मुझे पता चला कि यार इस तरह से होना है, और काम बिल्कुल सिंपल था। और एक बात यार, बार बार मैं वीडियो में सारी में बताता भी नहीं हूँ कि यार अगर स्किल सीखने आयो तो वीडियो पूरी देख के क्या करो, अगर स्किल सीखने नहीं आयो जस्ट वैसे आयो तो थोड़ी सी देखो चले जाओ, नो इशू, ठीक है ना। लेकिन अगर स्किल सीखनी है तो मेरे भाई वीडियो पूरी देखना, उसके बाद ही समझ आएगी, ठीक है ना। ये नहीं करना कि थोड़ी सी वीडियो देख ली, मेरा इंट्रो आपने देख लिया, अभी यहाँ भी ये फलानी चीज़ बता रहे हो तो फिर मुझे आप मैसेज कर रहे हो कि भाई ये क्या करना था, यहाँ से क्या करना था, यहाँ से क्या करना था। यार मैं पूरी की पूरी डिटेल वीडियो के अंदर बता देता हूँ तुम तो। अगर आपने स्किल सीखनी है, कुछ गेन करना है, तो काइंडली वीडियो पूरी देख जाना, तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप जो मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, उसके अलावा इंस्टा पे, फेसबुक पे, सारे लिंक्स वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। और यार अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जो है क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें, ठीक है ना। और अगर फायदा हो जाता है तो यार कमेंट वगैरह कर दिया करो, अच्छा होता है, लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो ये सिंपल गूगल के रिलेटेड है, गूगल माई बिजनेस पेज के रिलेटेड, कि उस पर पोस्टिंग किस तरह से करनी, तरीकेकार क्या, वहाँ पे आप प्रोडक्ट किस तरह लगा सकते हैं, आप सिंपल व्हाट्स न्यू में जो सिंपल पोस्ट होती है वो कैसे कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उसके रिलेटेड है। तो चलें ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप पर आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको इसका तरीकेकार पूरा बताते हैं कि आपने किस तरह से जो पोस्ट करनी होती है, पिक्चर किस तरह से अपलोड करनी है, वहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, टाइटल किस तरह से देना है, तरीकेकार क्या, उसको खोलना किस तरह से, ओपन किस तरह से करना है गूगल माई बिजनेस को, ठीक है। चलें ज़रा लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से काम करते हैं इस पे। जी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मैं क्या चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह से जो है गूगल माई बिजनेस पेज को ओपन करना है। हम सिंपल गूगल को खोल लेंगे, ठीक है, हमारा गूगल का पेज खुल गया। गूगल पेज खोलने के बाद आपकी आईडी साइंड इन होगी, ठीक है। ये जो ऑप्शन खड़ा है गूगल ऐप्स का, यहाँ जो सब लोग ही जानते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट सर्च माय बिजनेस यूट्यूब प्ले स्टोर न्यूज़ जीमेल मीट चैट, ये सारे इसकी जो गूगल के सर्विसेज हैं, यहाँ पे सारी की सारी आपको शो हो जाएंगी। लेकिन अक्सर क्योंकि जब आपने अकाउंट नहीं बनाया होता गूगल माय बिजनेस पेज का, तो उसके लिए आपको जो है ये मोर फ्रॉम गूगल करना पड़ता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन आप सिंपल अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना, गूगल पे सर्च करने पे गूगल माय बिजनेस, तब भी वो आपको जो है बिल्कुल सामने ही आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास तो सामने से खड़ा है ना, आपके सामने वो आ रहा था, ये देखें ये नीचे आ गई सारी फॉर ऑल, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं, यहाँ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं या आप कह लें इनकी सर्विसेज हैं, ये सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा सिंपल तरीक़ेकार आपको जो मैंने बताया कि आप यहाँ पे जाएंगे आईडी के साथ गूगल ऐप्स, यहाँ पे गूगल माय बिजनेस, इसको क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओपन होने के बाद क्रिएट ग्रुप ऐड बिजनेसेस, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करेंगे। अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं पोस्ट करने के रिलेटेड, सो ये तीन पेजेस मेरे बने हुए हैं, ठीक है, बिजनेस जो तीन ऐड किए हुए हैं, तो इसमें से जौन सा मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसको ओपन करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीक़ेकार, इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है, हमने ओपन कर लिया। अब आ गया होम, इधर आप लेफ्ट साइड पर ज़रा देखिए, होम पोस्ट इन्फो इनसाइट्स रिव्यूज़ मैसेजेस फोटोज़ प्रोडक्ट्स सर्विसेज वेबसाइट एंड यूज़र्स क्रिएट। अगर ऐड वगैरह आप लगाना चाह रहे हो तो गूगल एड्स के जरिए यहीं पे ऐड जो आपके वो सेट भी हो सकती है, जैसे इन्होंने ये मुझे बना के दी हुई है, ठीक है ना। तो सिंपल सा काम, अक्सर क्लाइंट आपको कह देता है कि यार मेरी ऐड जो है उसको बूस्ट करना है, बूस्ट करने का मतलब क्या है, ऐड पोस्ट को बूस्ट करना है, मतलब उसकी ऐड चलानी है, तो ये खुद ब खुद भी ऐड आपको ऐड बना के देते हैं, लेकिन आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ अब क्या करना है, हम पोस्ट क्रिएट करना है, हमने पोस्टिंग करनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स हमें यही चीज़ कहते हैं कि यार पोस्टिंग करके दो ना। तो पोस्टिंग जो है वो बिल्कुल सो सिंपल, आपने पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है,
इस तरह इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, ये पेज आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। ये खुलने के बाद हमने क्या करना है, ये ब्लू कलर का निशान खड़ा है आपके सामने राइट कॉर्नर में नीचे, जैसे हमारे मोबाइल्स में आजकल आता है ना क्रिएट न्यू मैसेज वगैरह करने के लिए ना कॉर्नर में आ रहा होता है, तो यहाँ पे भी ये इस कॉर्नर में खड़ा है, आप इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद अब पहला तो उन्होंने ये खोल के दे देना है जी कोविड-19 अपडेट, कि आप अपना स्टेटस जो है अपडेट करें, ठीक है, बिज़नेस के लिए हम इसको नहीं कर रहे। सेकंड वन है ऑफर्स का ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ अगर आपका बिज़नेस कोई ऑफर जो है कर रहा है, कोई चीज़ ऑफर दे रहा है ना, योर पोस्ट विल अपीयर ऑन गूगल सर्विसेज अक्रॉस द वेब लाइक मैप्स एंड सर्च, योर पोस्ट मस्ट कंप्लाई विद गूगल पॉलिसीज। अब पोस्ट जो हमने वो तो गूगल पॉलिसीज के मुताबिक ही करनी है ना, इससे हटके तो नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीकेकार इसके लिए, अगर आप कोई ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं आपके पेज के आपके बिज़नेस के, तो आप यहाँ पर सिंपल उसको ऑफर पर आगे क्लिक करके ऐड फोटोज़ करेंगे या वीडियोज़ करेंगे, जो चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं, ऑफर टाइटल यहाँ पे देंगे, ठीक है, एग्जांपल 20% ऑफ इन स्टोर और ऑनलाइन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप ऑफर देना चाह रहे हैं। नीचे डेट्स डालेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड ऐड मोर डिटेल ऑप्शनल है अगर आप डिटेल्स डालना चाहते हैं, ऑफर डिटेल, कूपन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सिंपल पोस्टिंग ज़्यादातर क्लाइंट्स क्या करवाते हैं हमसे, वो करवाते हैं व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू में क्या होता है, सिंपल पोस्ट होती है कि जी एक पोस्ट कर दी डेली की, जैसे हम पोस्ट करते होते हैं। आगे इवेंट, अगर आप इवेंट ऐड करना चाह रहे हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि इवेंट ऐड कर दें, देन आप इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन प्रोडक्ट का है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है उसकी पिक्चर लगाएंगे, प्रोडक्ट नेम लगाएंगे, कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी क्या है, ठीक है ना, आपकी उसकी प्रोडक्ट की। देन प्राइस रेंज क्या है, अगर आप प्राइस रेंज देना चाह रहे हैं तो ऑप्शनल है, कोई लाजमी नहीं है, ठीक है ना। प्राइस रेंज ओके करके आप प्राइस रेंज जो है यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो ऐड कर सकते हैं। नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, ये दे सकते हैं। इसके बाद ऐड बटन ऑप्शनल होगा, अगर आप ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, गेट ऑफर एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें समझा इसलिए रहा हूँ कि इनकी ज़रूरत अगर कभी पड़ जाए तो, अगर क्लाइंट आपको कह दे तो। अदरवाइज व्हाट्स न्यू में ज़्यादातर पोस्ट होती है, जो सिंपल डेली पोस्टिंग होती है ना वो व्हाट्स न्यू में ही करवाते हैं, जो डेली पोस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। पहला नंबर फोटो ऐड करेंगे, सिंपल से तरीकाकार है ये, सिलेक्ट, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन किया, ये अपलोडिंग हो रही है। अपलोड होने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखें ज़रा अपलोडिंग, ये मेरी पिक्चर होगी अपलोड, ठीक है, यहाँ पिक्चर आ गई, और एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये पिक्चर आ गई, हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 10 पिक्चर्स जो हम मिनिमम लगा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमम। राइट योर पोस्ट, यहाँ पे आपने पोस्ट के रिलेटेड कोई भी टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ जो है एक ही जगह पे आपने डाल देनी। यहाँ पे आप मीन्स करें कि फ्रीलांसिंग ट्यूटर, ठीक है, मैंने लिख दिया, तो मैं पेज बनाया था उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी पोस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग ट्यूटर लिख दिया, यहाँ पे आपने पूरी पोस्ट या जो टेम्पलेट आपको क्लाइंट ने दिया है या जो आपको उसने तरीकेकार बताया है वही आप लिखेंगे। और ये मुझे ना पूछिएगा कि यार यहाँ हमने फ्रीलांसिंग ट्यूटर लिखना है सर, या यहाँ पे क्या लिखना है, ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आपको क्लाइंट बताएगा कि भाई हमारी पोस्ट का टेम्पलेट क्या है, आपने क्या लिखना है, ये क्लाइंट बताएगा, ठीक है ना, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। पिक्चर भी वो आपको देगा, ये आपको बताएगा कि पिक्चर्स बना के लगाओ, ये आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप पोस्ट के जो है राइट योर पोस्ट, जो आपने पोस्ट लिखनी है यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है, ऊपर आपने पिक्चर लगा दिया। नीचे ऑप्शनल है ऐड अ बटन, अगर कोई बटन ऐड करवाने का आपको क्लाइंट ने कहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो जस्ट आप जो है ना पब्लिश कर देंगे, पब्लिश का ऑप्शन। अगर आप उसने कहा है भी साइन अप करो, लर्न मोर, बाय, ऑर्डर ऑनलाइन, बुक एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी है, तो वो आप यहाँ पे बुक का ऑप्शन है तो यहाँ पे लिंक देंगे बुक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट का जो है लिंक क्या है। ऑनलाइन के लिए भी, बाय के लिए भी लिंक होगा, लर्न मोर के लिए भी लिंक होगा, ठीक है, और साइन अप के लिए भी जाहिर बात है लिंक होगा, और कॉल नाउ के लिए आपका फ़ोन नंबर होगा, जो फ़ोन नंबर सेटअप किया हुआ होगा उसने गूगल माई बिजनेस में, या अगर आपने उसको सेट करके दिया तो, ठीक है, देन आप इसको पब्लिश कर देंगे। सिंपल तरीकेकार, ये पोस्ट पोस्टेड जस्ट नाउ, ठीक है, ये उसका जो थोड़ा सा लिखा हुआ था, जो पोस्ट होगी, नहीं तो पोस्ट बड़ी होगी तो ज़्यादा लिखा हुआ होगा, साथ में ये बटन भी आ गया, ठीक है, ये लास्ट मैंने पहले ही पोस्ट करके चेक किया है। इसको आप शेयर पोस्ट कर सकते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ये एडिट, डिलीट, व्यू पोस्ट ऑन सर्च, सर्च पे भी आप देख सकते हैं हमारी सर्च पे पोस्ट किस तरह से आएगी या आ रही है, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से हमारी जो पोस्ट है, योर बिजनेस ऑन गूगल, जीरो व्यूज़ दिस मंथ, ठीक है, अभी तक मैंने बनाया है अभी है तो इसलिए तो इतना ही आएगा ना, ठीक है। ये अपडेट्स वगैरह, ये इसके सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शो होगी, इस तरह से गूगल के ऊपर जो है हमारा ये बिज़नेस शो होगा, ठीक है। तो सिंपल सा तरीकेकार है कि गूगल माई बिज़नेस पे आपने पोस्ट किस तरह से करनी है, ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल, ईजी।
तो पोस्टिंग करते जाएं, बिल्कुल आप व्हाट्स न्यू ओपन किया, सॉरी यहाँ से ओपन किया, व्हाट्स न्यू, पिक्चर अपलोड, राइट योर पोस्ट, पब्लिश। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। क्लाइंट जब पोस्टिंग का कहता है, जारी बात है, दो चार पोस्ट तो मिनिमम डेली की उनकी होती है ना, तो यहाँ से आपने डेली ये पोस्ट करते रहना। और बिल्कुल सिंपल तरीके का है यार, इस पर आप गिग भी बनाओ, गिग बना के तो आप इसको लगाओ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में भी, एक किस्म की आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग में भी आ जाती है। ठीक है ना, ये जो आपकी गिग होगी, जो सर्विस होगी, क्योंकि गूगल क्या है, गूगल सोशल मीडिया ही अब एक किस्म का बन चुका है ना, और डिजिटल मार्केटिंग का तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये गूगल। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसकी अच्छी खासी समझ आ गई होगी और इसका फ़ायदा भी होगा, अल्लाह करेगा, दोस्तों को, भाइयों को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।